नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। मालेगांव ब्लास्ट मामले में साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित को राहत। वर्ष 2008 में हुए मालेगांव बम ब्लास्ट की आरोपी साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित, सुधाकर द्विवेदी समेत 6 आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी राहत मिल गई है। फैसले में शीर्ष अदालत ने कहा है कि जो तथ्य पेश किए गए हैं उनसे यह साबित नहीं होता कि उनके बीच किसी तरह का कोई सिंडिकेट था या ये लोग जालना और परभनी विस्फोट में भी शामिल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को कहा है कि वह इस मामले में आरोपियों की जमानत पर और मकोका पर फैसला करे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की रोजाना सुनवाई के लिए भी कहा है, साथ ही इन लोगों की जमानत पर 1 महीने में फैसला लेने को कहा है। सीबीआई ने कहा, ए राजा ने मनमोहन सिंह को गुमराह किया। सीबीआई ने बुधवार को विशेष अदालत के समक्ष दलील दी कि पूर्व संचार मंत्री ए राजा ने 2G स्पेक्ट्रम आवंटन से जुड़े नीतिगत मामलों पर तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को गुमराह किया था। मामले में अंतिम दलील देते हुए विशेष लोक अभियोजक आनंद ग्रोवर ने कहा कि राजा ने स्वान टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड और यूनिटेक वायरलेस लिमिटेड जैसी अयोग्य कंपनियों को स्पेक्ट्रम दिया जाना मंजूर किया। ग्रोवर ने कहा कि असल में राजा ने FCFS और कट ऑफ तारीख पर मनमोहन सिंह को गुमराह किया। लीबिया के पास नौका डूबने से 400 लोगों की मौत। रविवार को लीबिया के पास नाव डूब जाने के कारण इसमें सवार लगभग 400 अवैध प्रवासियों की मौत हो गई। इस हादसे में जीवित बचे और इटली लाए गए लोगों ने यह जानकारी दी है। इतालवी तटरक्षक ने सोमवार को कहा था कि उन्होंने डूब गई नौका से 144 लोगों को बचा लिया है, जबकि 9 शव बरामद किए गए हैं। विनोद कांबली ने नवजोत सिंह सिद्धू को गाली दी। पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबली ने ट्विटर पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कमेंटेटर और भाजपा नेता नवजोत सिंह सिद्धू को बुरा भला कह दिया। उन्होंने यह नाराजगी पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटरों के भारतीय टीवी कार्यक्रमों में शामिल करने को लेकर जताई है। उन्होंने ट्वीट किया कि पाकिस्तानी को हर चैनल में लेकर आते हो, अरे उनसे कहो कि उनके चैनल में हमें गालियां मिलती हैं। सिद्धू के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए कांबली ने उन्हें अपनी बकबक बंद करने को भी कहा है। कोहली को धोनी से सीखना चाहिए, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर स्टीव वॉ की सलाह। ऑस्ट्रेलिया के विश्व कप विजेता कप्तान स्टीव वॉ का मानना है कि भारतीय स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को अपने जज्बात पर काबू रखने का शऊर महेंद्र सिंह धोनी से सीखना चाहिए। वॉ ने कहा कि अभी कोहली को काफी कुछ सीखना होगा, वे काफी जज्बाती हो जाते हैं और कई मसलों को व्यक्तिगत तौर पर लेते हैं। उन्होंने कहा कि एक कप्तान के तौर पर आपको अपनी चमड़ी मोटी करनी होती है और धोनी इसकी मिसाल है, जो कभी किसी चीज से प्रभावित नहीं होते। वे कोहली के लिए अच्छे रोल मॉडल हो सकते हैं। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।